हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपका पहला पोयम द फाउंटेन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि जो पोएट है जेम्स रसेल लोवेल, वो फाउंटेन फवारे से कितने इंस्पायर्ड थे और उसके जो ब्यूटी है उसका कैसे वर्णन कर रहे हैं। इसी कड़ी हमने उसका सेंट्रल आइडिया भी पढ़ा था और उसके बारे में जाना था, और उसके बाद हमने चार पैरा पढ़ लिया था। अब हमको ये चार लास्ट पैरा पढ़ना है, ठीक है? तो आइए एक बार हम जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोएट कहते हैं इन टू द सन साइन फुल ऑफ लाइट, बता रहे हैं कि जो फवारा होता है वो सूर्य के प्रकाश में एकदम लाइट से फुल होता है और वो सुबह से लेकर शाम तलक या रात तलक उछलता रहता है, कूदता रहता है, चमकता रहता है, ठीक है? और इनटू द मून लाइट, और चांदनी रात में वो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, और जब हवा बहती है तो फूलों के जैसे हिलता डुलता रहता है। ठीक है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो वो फूलों के जैसे हिलता रहता है। इनटू द स्टार लाइट, और तारों की चमक में वो स्प्रे के जैसे दौड़ता रहता है, और हम वो अर्धरात्रि में भी खुश होता है फवारा, और दिन में भी खुश होता है। इवन इन मोशन, हमेशा वो गति में गति करता रहता है। ब्लिट्सम, हमेशा प्रफुल्लित आनंदित रहता है फिर भी, और हमेशा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है और कभी थकता नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और हम समय निविष्ट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर मतलब होता है मौसम, हम ग्लैड मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न, ठीक है, वो हर मौसम में वो प्रसन्न रहता है। कौन? ये फवारा आपका, ठीक है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स कह रहा है, वो हर मौसम में प्रफुल्लित होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी वह अब बहुत ही बेस्ट दिखता है, हर मौसम में प्रफुल्लित होता है और हमेशा वो बेस्ट ही दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है, और अपवर्ड और डाउन, कभी वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, कभी वो नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। कौन? फवारा। मोशन दाई रेज, अब पोएट कह रहे हैं वो उसके वो गति करते ही करते हुए ही अपना आराम करता है, अर्थात जैसे उसकी गति में ही उसकी आराम छुपी होती है, अर्थात वो कभी भी आराम नहीं करता है। फिर से देखते पड़े, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वो सभी मौसम में वो ग्लैड होता है, प्रसन्न होता है, फिर भी वो हमेशा बेस्ट ही दिखता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, कभी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन उसकी गति में ही उसका आराम छिपा होता है। आगे देखते हैं, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, कह रहे हैं कि फुल ऑफ नेचर, उसमें प्राकृतिक गुण भरे हुए हैं, किसमें? फवारे में, फवारे में फवारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है, भरपूर है। नथिंग कैन टेम, उससे टेम मतलब होता है पालतू बनाना, ठीक है, और उसे कोई भी इंसान पालतू नहीं बना सकता, अर्थात उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, वह हर क्षण बदलता रहता है, पानी की जो बूंदें होती हैं वो एक ही जगह नहीं होती है, वो आगे आगे बढ़ती रहती हैं, मतलब हर क्षण वो बदलती रहती है, लेकिन एवर द सेम, लेकिन हमेशा वो एक जैसी ही दिखती है। फिर से पूरा देखते हैं, फुल ऑफ अ नेचर, वो नेचर से अर्थात उसमें नेचुरल गुड जो होता है वो भरपूर पड़ी हुई है, और उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता, और वो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, लेकिन फिर भी वह एक ही जैसी हमेशा दिखती रहती है। आगे देखते हैं, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब होता है निरंतर, एस्पायरिंग मतलब होता है आगे ऊपर की तरफ बढ़ना या आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, वो निरंतर सदैव ऊपर की तरफ ही बढ़ती रहती है। सीजलेस कॉन्स्टेंट, और निरंतर वो हमेशा ही खुश होती रहती है, वो संतुष्ट होती है अपनी इस कार्य से, कभी भी दुखी नहीं होती, ठीक है, अर्थात कह रहा है वो सदैव आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, प्रगति की तरफ बढ़ती रहती है, और कभी भी असंतुष्ट नहीं होती, अर्थात हमेशा संतुष्ट रहती है, चाहे वो डार्कनेस हो चाहे सनशाइन हो, अर्थात चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है और उसी में अपनी संतोष को ढूंढती है। और दाई एलिमेंट, यही उसकी गुण है, यही उसका तत्व है, ठीक है, कह रहे हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है और हमेशा उसमें ही संतुष्ट होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऊपर की बढ़ना ही उसकी क्या है, गुण है। अब देखिए लास्ट पैरे में कह रहे हैं पोएट, उससे
हमने जैसे सेंट्रल एडियम पढ़ा था कि पोएट जो इंस्पायर्ड थे और वो चाह रहे थे कि वो भी जो फवारे के जैसे गुण उनमें भी आए, यही लास्ट पैरे में वो कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन हे शानदार, देखिए यहाँ पे पोस्ट्रॉफी का मार्क लगा भी है, ठीक है, हे शानदार, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मतलब होता है फवारा, लेट मी लेट माई हर्ट बी फ्रेज चेंज फुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, दी मतलब तुम तुम्हारे जैसे कह रहे हैं, हे फाउंटेन हे शानदार फाउंटेन, काश मेरा भी दिल जो होता है वो तुम्हारी तरह ताज़ा मतलब ताजगी से भरपूर हो, चेंजफुल हो, हमेशा परिवर्तित हो, मतलब परिवर्तनशील हो, कॉन्स्टेंट हो, दृढ़ हो, और अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहे जैसे कि तुम बढ़ते रहते हो, ठीक है, काश मैं भी ऐसा हो जाऊँ जैसे तुम्हारे अंदर इतनी ताजगी भरी हुई, हमेशा तुम परिवर्तित होते रहते हो और फिर भी स्थिर हो और हमेशा तुम ऊपर की तरफ ही बढ़ते रहते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।